वो कहीं आदमी मर गया, एक आदमी मरने वाला है आज नहीं तो कल परसों, मरेगा नहीं, हम भगवान को मनाता है, बच जाना चाहिए। इस समय लोकल लैटरिन की मौजूदगी पटना के उस जगह पे है जहां कल एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मेट्रो निर्माण में जो तमाम मजदूर लगे हुए थे वहां पे कई मजदूर जो हैं वो घायल हो गए हैं, कई की मौत भी हुई है। हमारे साथ आप देख सकते हैं तमाम वो मजदूर हैं जो यहां मेट्रो निर्माण में लगे हुए थे, और इनमें से कई इनके साथी जो हैं घायल हैं और कई साथी की भी मौत हो गई है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्होंने क्या देखा, क्या इनकी आँखों देखी है। क्या नाम हुआ आपका? सरोजकांत मल्लिक। क्या हुआ था कल की रात, जो है क्या हुआ दर्शकों को बताइए। कहाँ एक्सीडेंट भयानक हो गया, क्या हो गया, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ? लोगों का ब्रेक फेल था, हाँ हो गया, आदमी लोग ट्रैक में काम कर रहे थे। कितने लोग थे ट्रैक में? 75 हमारा सिफ्टी में है, उधर 15-20 आदमी काम कर रहा था। तो कितने लोगों को जो है चोट पहुंची है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने भर्ती है? कम से कम 12-15 आदमी को चोट पहुंचा है, दो तो डेढ़ हो गया, एक पूरा आईसीयू में भरा है, उसका खोपड़ी में फट गया, इसे आईसीयू में भरा है, उसका मरेगा बच्चे का पता नहीं। कहाँ कहाँ के लोग हैं जो काम? दो है उड़ीसा का, एक है जम्मू का। काम कर रहा था बहुत जगह का जी, बंगाल का, उड़ीसा का, आदमी काम करता है। तो किस तरीके से घटना घटी, क्योंकि आधिकारिक रूप से ये कहा जा रहा है कि दो लोगों की मौत हुई है और 6-7 जो हैं वो घायल हैं। हाँ तो घायल का बात सही है, मगर तीन आदमी, दो आदमी मर गया, एक आदमी जान में लड़ रहा है बचने के लिए, होगा कि नहीं होगा भगवान शुक्र करे हो जाए, वो हॉस्पिटल में अभी लड़ रहा है ना मृत्यु के साथ। हाँ तीन, दो आदमी कैसे हो गया? उन लोगों का यही, दो आदमी मर गया, एक आदमी मरने वाला है आज नहीं तो कल परसों, मरेगा नहीं, हम भगवान को मनाता है, बच जाना चाहिए, और क्या मैं बोलूँ। अच्छा एक घटना को याद करिए जो अंदर होंगे, किस तरीके से पूरा घटना घटा इसके बारे में बताइए। घटना हुआ कि वो सामने वाला डे वाला बोल के गया था कि लोगों का ब्रेक फेल है। अच्छा हाँ, वो ऑपरेटर को मेल की बातचीत किया था, हाथ हाथ से किया, जैसे शिफ्ट खत्म हो गया दूसरा वाला आया कि हाँ भाई हेलो ठीक है, हमारा लोगों का प्रॉब्लम है, गाड़ी अंदर नहीं लेगा, ठीक है वो बोला। तो वो बात तो फोरमैन को पता होगा, जब लोको पायलट बोल रहा है गाड़ी का प्रॉब्लम है ब्रेकिंग सिस्टम में, तो सामने वाला को पता होगा, तो जानबूझ के ये लोग का मतलब है रिंग लगाओ, माइनिंग करो, हमारा काम आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी कीमत पे बढ़ना चाहिए, भले मजदूर का कुछ भी हो, कुछ कितना भी हो जाए, तुम लोग खाना खाओ नहीं खाओ कुछ भी हो, हमको काम चाहिए, मतलब रिंग चाहिए। हाँ वो लोग का L&T का काम वही है। एक तरह से देखा जाए तो अनदेखी हुई है, लापरवाही हुई है। देखिए वो सब L&T का स्टाफ का गलती है, ठीक है, उन लोग को रिपोर्ट कर दिया था शाम को, लोगों का ऐसे ब्रेक फेल हुआ है, देर में कुछ हल्का से बच गया ऑपरेटर, लेकिन नाइट में हो गया, दुर्घटना हो गया, ठीक है, L&T का स्टाफ का ही इसका गलती है, और लोगों का बारे में कोई कुछ नहीं करता है, जो बोलता है आता है काम करो नहीं तो भाग जाओ इधर से, गाली भी देता है अलग से, काम करो नहीं तो चले जाओ, चला जाओ इधर से, और जो आर्मी इधर आना है ना वो पेट पालने के लिए आ रहा है भाई, कोई तो गर्व धनी का आर्मी नहीं आ रहा है इधर काम करने के लिए, अमीर बाप का कोई नहीं है इधर, सब मजदूर आ रहा है इधर काम करने के लिए, बंदा होगा इधर नहीं आएगा, अमीर बंदा होगा ना सबको खिलाएगा। अगर एग्जैक्ट हम नंबर की बात करें तो कितने मजदूर घायल हैं, कितने की? 12-15 बोला ना, तीन, दो तो डेड हो गया, एक तीन तो खत्म, और 7-8 बंदा तो घायल है। आप लोग क्या मांग है, क्या सरकार से या क्या प्रशासन? मांग कुछ नहीं, मांग इतना है जो मदना मर गया, छोटा छोटा बच्चा है, कंपनी के सेफ्टी के बारे में हम लोग को पता है, सब लोग सेफ्टी में बताता है, सेफ्टी में रहे, काम करो सेफ्टी में, सब कुछ करो, अभी सेफ्टी कौन देखेगा हम लोग को, वो लोग को परिवार को जिम्मेदारी कौन, उसका भरण पोषण कौन करेगा, वही बात है और कुछ नहीं। इसके वजह से काले ये हो गया, दूसरा परसों हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे बॉडी हटाओ काम करो, ऐसा नहीं होगा, आदमी को चिट्ठी जैसा सोच रहा है। आप देख सकते हैं कि मजदूरों में गुस्सा है, और ये गुस्सा भी लाजमी है। कहा जा रहा है मजदूरों की तरफ से कि पहले भी जो L&T कंपनी के जो लोग हैं, जो अधिकारी थे मौके पर, उनको कहा गया था कि जो लोको है उसका ब्रेक फेल है, इसके बावजूद भी काम को जारी रखा गया, और नतीजा जो है वो आप लोगों के सामने है। मजदूरों का कहना है कि जब तक हमारी सेफ्टी सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक जो है वो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट। थैंक यू।